फोटो ब्लॉगिंग आज के टाइम में एक कॉल लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग के बाद चीज आती है जो आज के टाइम में सब कर रहे हैं फिर से। वैसे सबके बस की नहीं होता भाई मोटो ब्लॉगिंग करना। अरे आयुष भाई क्या बात कर दिया यार तुम। एक मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए चाहिए क्या होता है, एक बाइक या स्कूटी। और आज के टाइम में तो बाइक स्कूटी छोड़ो यार, बंदे तो साइकिल से मोटो ब्लॉगिंग करते हैं। जिस पे हम ब्लॉगिंग करने वाले हैं देखो, ये अपना शाही सवारी आज इस पे मैंने पूरा सेट कर दिया, साइकिल से करेंगे मोटो ब्लॉगिंग। दूसरी चीज आती है हेलमेट और तीसरी होता है गोप्रो। अब और क्या चीज़? हेलमेट लो, गोप्रो लो, गोप्रो लगा दो हेलमेट पे और चलो। हेलमेट होते हैं हमारी सेफ्टी के लिए, पता नहीं कहाँ उसको मुंह पे टांग के सारी हवा भी और रुक जा। मोटर ब्लॉगर्स जैसे मुंबई कर निखिल, जट प्रभजोत, MSK और भी सारे ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल मोटर ब्लॉगर जो हमें दिखाते हैं वादियाँ, सुंदरता और बताते हैं उस जगह की जहाँ पे वो जाते हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कहाँ पे और कैसे है। और दूसरी तरफ होते हैं बंदे जो बस अपनी बाइक उठाई, स्कूटी उठाई, हेलमेट पहना, गोप्रो लगाया और निकल लीजिए मोहल्ले की सैर करने। अरे मोहल्ला थोड़ी देखने बैठे हम तुम्हारा। के बाद होते हैं मोटर ब्लॉगर जो होते हैं रोड रेज वाले। वे रोड रेज दिखाते हैं ऐसे खाते जैसे पूरी दुनिया सिर्फ इनसे ही परेशान हो, कोई मानना चाहती हो इनके साथ ही जो भी है इनके साथ करना चाहती हो। भाई ऐसी रोड रेज वीडियो ना लाना बना दो 2 मिनट में। ये हो गया कुछ मोटो ब्लॉगर्स के बारे में इंट्रोडक्शन। ब्यूटीफुल पीपल, ब्यूटीफुल पीपल, हाउ आर यू गाइस, आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। सो मैंने सोचा आज इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो है AMV व्लॉग। जानते ही होगे यार, अरे वो जो Zomato गर्ल के साथ साथ फेमस हुआ था, जो स्क्रिप्टेड वीडियो करके गया था यार। क्या यार, चलो चलो मोने स्टेशन का केस लगाओगी तुम। मैं तुम्हें कॉन्टेक्स्ट दे दूँ, स्क्रिप्ट बता दूँ क्या थी वीडियो की। तो एक लड़की होती है भाई, जा रहा होता है और लड़की के चक्कर में एक्सीडेंट होने वाला होता है और लड़की उसको मानती नहीं है और लड़के को अपनी मिडल फिंगर दिखा देती है। ये कौन बोल रहा है भाई मिडल फिंगर दिखाने के लायक ही है? और मिडल फिंगर दिखाने के बाद लड़के को बोलती है कि वो उस पे मोलेस्टेशन का केस कर देगी। मुझे तो नहीं लग रहा है इस लड़की को मोलेस्टेशन का मतलब भी पता होगा। क्या मतलब? मैंने भी कुछ मोलेस्टेशन वर्ड बीच टेक में बोला है। मतलब देख रहे हो अपने चैनल की रीच बढ़ाने के लिए एक मोटो ब्लॉगर को क्या क्या करना पड़ता है। बड़े मोटो ब्लॉगर नहीं ये अरे गैरेंटू कह रहे भाई, जो तू मोटो ब्लॉगिंग दिखाता है ना मैं, उससे अच्छा तो मैं कार्टून देख लूँ बैठ के बाइक वाली, उसमें बहुत ज्यादा मजा आता है। मतलब उससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी बाइक का और जो जो व्यू था ना वो ज्यादा अच्छा लगे तेरी वीडियो अच्छा। मतलब यार कब तक क्लिक मेड कर करके भाई अपना चैनल चलाएगा, कब तक रीच बढ़ाएगा, कुछ ओरिजिनल डाल। अरे हाँ यार ओरिजिनल के लिए तो तुम्हें दिमाग चाहिए होता है, कुछ सोचना भी चाहिए होता है ना कि कहाँ पे जाया जाए, वो तो भाई के पास है नहीं। Faking my death in front of Indian father. Prank went insane on him. पापा के साथ प्रैंक हो रहा है, क्या बात है, लगता है कॉमेडी होने वाली है बहुत कैडी। देखो भाई देखो कितना खुश हो रहा है यार पापा के साथ प्रैंक करने। पापा के हमें हम चू भी नहीं बोलते और ये तो यार तो प्रैंक करने जा रहा है भाई। वो बाप है तेरा, बाप साले तेरा मारेगा ना तेरे प्रैंक के चक्कर में। अगर अगली बार प्रैंक करने से पहले, प्रैंक क्या बात करने से पहले 1000 बार सोचेगा। हमें क्या बात है, मतलब क्या एक्टिंग है यार। मतलब नाचते नाचते भाई के दिल में दर्द हो गया। मतलब पापा बोल रहे हैं मत कर, लेकिन अगला लगा पड़ा है, डटा पड़ा है बिल्कुल ही। अबे एक बार मेरे पापा ऐसे बोल देना कि हट जा भाई, पूरे शरीर ठंडा पड़ जाता है, अपना कोने में जाके बैठ जाता हूँ कि तुम गऊ की तरह नाचू नाचू। अरे यार मतलब फिर ये नकली एक्टिंग, इतनी नकली भाई। मतलब तू दिल भी पकड़ रहा है अपना, दिल भी तू पकड़ रहा है, मतलब हद होती है यार। ऐसे कौन करता है नाचते ना हुई। अब भाई इतनी नकली एक्टिंग, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे 2 छोटे भाई हैं उनको देख लेना भाई, वो तेरे से अच्छी एक्टिंग है। मैं उसकी वीडियो डाल दूंगा ना, तेरे से अच्छी एक्टिंग होगी उसकी। पापा तो कोई धक्का दे रहे हैं टेबल को, उठ जा भाई, किसी को फर्क नहीं पड़ता तेरे जीने मरने से। चप्पल लगेगी और साइड में टेबल हो रहा बेटा, कुछ नहीं पता, उठ गया तो मारेगा बहुत। ये कौन कह रहा है भाई प्रॉपर्टी के लिए अपने पापा के साथ प्रैंक करा था और वो सच्ची में मर गए? मतलब भाई तो अगर तुम्हें यार जायजा चाहिए थी, अपनी प्रॉपर्टी चाहिए थी, ऐसे पापा से बोल देते पापा भाई तुम्हारा नाम कर देते, क्या जाता है वो फालतू में, पापा भी मार दिया भाभी तुम्हारा और तेरा यूट्यूब चैनल वैसे नहीं चलता है। इंस्टाग्राम रील शूट टर्न इनटू फाइट, दोस्ती खत्म। भाई देखो या तो रीलर बन जा या तो यूट्यूबर बन जा, देख दोनों चीज तो हो नहीं सकती, ठीक है। वो चीज अच्छी लगती है कि आप यूट्यूब पे हो और छोटी मोटी अपनी करके रील्स बना के डाल रहे हो, यूट्यूब पे कंटेंट है वो चला रहा है और जो इंस्टाग्राम पे कंटेंट है तो वो चला रहा है। तो रीलर यूट्यूब पे आते सिर्फ ब्लॉग्स बनाने के लिए है।
सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मुझे बताना आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में। ये कौन बोल रहा है भाई, तुम्हारी किसी भी वीडियो में ऐसी नहीं आती रोस्टिंग के, चल क्यों बता रहे हैं आप, आकल है काट। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन दबा देना ताकि जब नई वीडियो आए तो पता चल जाए। कमेंट कर दिया करो भाई, प्लीज कमेंट करके बता दो बेकार है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। अब किंचू छोटे बच्चों की बैटरी वाली बाइक से मोटर व्लॉगिंग नहीं होती यार, क्या कर रहा है पागल रहा जिसे।